हेलो एवरीवन इट इज़ माई प्लेजर टू बी बिहेवर माई नेम इज़ मनवर मनवर सिंह यू ऑल वेलकम टू बेस्ट बैसनॉर्स ट्यूटोरियल्स इन दिस वीडियो वी विल कवर सम इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ फॉर उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम आई वुड लाइक टू से इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द कॉन्टैक्ट इज सेवन फोर जीरो नाइन टू एट सेवन वन फाइव सिक्स सो लेट्स स्टार्ट तो आपके लिए पहला एम है देहरादून शहर की स्थापना किसने की थी गुरु राम राय ने गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने सिख गुरु गुरु नानक ने और मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने देहरादून की स्थापना की थी गुरु राम राय जी ने ऑप्शन नंबर ए या कौ आपका इसमें सही आंसर आएगा सातवें सिख गुरु हर राय के पुत्र गुरु राम राय ने सत्रहवीं शताब्दी में देहरादून शहर की स्थापना की थी तो देहरादून की स्थापना कब हुई थी एक एम आपका ये भी बन गया तो सत्रहवीं शताब्दी में सो नेक्स्ट एम अगला हम सिक्यो है उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों के विरुद्ध पेशवा प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था नाना साहब रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे मंगल पांडे तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे ऑप्शन नंबर सी अठारह के भारतीय विद्रोह में या भारतीय विरोध में एक प्रमुख सेनापति तात्या टोपे ने उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के खिलाफ पेशवा प्रतिरोध का नेतृत्व किया था तो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था ये पेशवा प्रतिरोध सो अगले एम सी क्यों पे चलते हैं अगला एम सिक्यू है किस राजा को शेर दिल या शेर हृदय राजा के रूप में जाना जाता था राजा पृथ्वीराज चौहान राजा राजा जय सिंह या राजा सुदर्शन शाह राजा हरि सिंह राजा पृथ्वीराज चौहान आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा राजा पृथ्वीराज चौहान को उनकी बहादुरी और वीरता के लिए शेर ए दिल या शेर हृदय राजा के रूप में जाना जाता था अगला एम सी क्यों है उत्तराखंड में प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने राजा भोज ने राजा जस धवल ने या राजा विक्रमादित्य ने तो तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माना जाता है कि प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक और धर्मशास्त्री गुरु शंकराचार्य जी ने आठवीं शताब्दी में उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था अगला एम्स है उत्तराखंड में टिहरी रियासत की स्थापना किसने की थी राजा सुदर्शन शाह राजा पृथ्वी शाह राजा महीपत शाह और राजा सूर्यदेव शाह तो जवाब होगा राजा सुदर्शन शाह ऑप्शन नंबर ए राजा सुदर्शन शाह शताब्दी में उत्तराखंड में टिहरी रियासत की स्थापना की थी अगला एम्स है प्राचीन भारत में किस राज्य को देवताओं का निवास कहा जाता था काशी मगध कुरु कुमाओं तो कुमाओं आपका इसमें सही जवाब होगा उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और प्राचीन भारत में अपने कई मंदिरों और पवित्र स्थलों के कारण देवताओं के निवास के रूप में जाना जाता था अगला एमसीक्यू है अगला एमसीक्यू है किस नदी को उत्तराखंड की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है यमुना गंगा टन भागीरथी तो गंगा आपका इसमें सही जवाब होगा व्याख्या गंगा जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है उसके उत्तराखंड के जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह राज्य और इसके लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत भी है अगला हम सीख्यो है किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था यहाँ पे नेपोलियन है राजा पृथ्वीराज चौहान राजा जय सिंह या राजा पोरस या राजा शेरशाह सूरी तो राजा शेर शाह सूरी आपका इसमें सही जवाब होगा मध्ययुगीन भारतीय शासक राजा और शेर शाह सूरी को उनकी सैन्य उपलब्धियाँ और प्रशासनिक सुधारों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता था अगला अगले है सिक्यू तो में से किस घटना के कारण 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों को एक नए राज्य में मिला दिया गया उत्तर प्रदेश राज्य को दो राज्यों में विभाजित किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य को दो राज्यों में विभाजित किया गया था उपयोग में से कोई नहीं ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य को दो राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विभाजित किया गया था दोजार में उत्तराखंड राज्य निर्माण क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम था और राज्य उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से बना और इसमें तेरह जिले है। हैं अगला हम सिक्यो है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है वैष्णो देवी अमरनाथ केदारनाथ हेमकुंड साहिब तो केदारनाथ आपका यहाँ पे सही जवाब आएगा केदारनाथ उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है यह हिंदू धर्म के चार पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जिसे चार धाम के नाम से भी जाना जाता है अगला हम सीखे हैं टिहरी रियासत के संस्थापक कौन थे राजा सुदर्शन शाह राजा कीर्ति शाह राजा राणा उत्तमचंद या राजा जसवंत सिंह तो राजा सही जवाब होगा राजा सुदर्शन शाह उत्तराखंड में टिहरी रियासत के संस्थापक थे उन्होंने सोलहवीं शताब्दी में राज्य की स्थापना की थी सो एवरी वन यहाँ पे वॉइस कट ऑफ हो गई थी तो हम मिलेंगे कल इसी के पार्टों में तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड स्टे ब्लेस्ड